हेलो, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाई संदीप सर। तो फिर से आप सबों का स्वागत है एक बार हमारे और आपके चहेते चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाई संदीप सर पे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है और हम सबों के काम का साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग देखना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, यानी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो आज का जो वीडियो है, जो हम लोग टॉपिक के समझने का कोशिश करेंगे, वहाँ यहाँ समझने का कोशिश करेंगे कि कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी के यानी शॉर्ट सर्किट के कारण अगर आग लगता है तो उसको हम लोग कैसे बुझाएंगे। क्या पानी डालकर बुझा सकते हैं, क्या कंबल से उस वायर को ढक के बुझा सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके बुझाएंगे। इन सभी बातों का आंसर इस पूरा वीडियो को आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो पानी होता है नॉर्मल नॉर्मल वाटर जो हम लोग यूज करते हैं पीने के लिए, वो आपका कंडक्टर होता है। और इस स्थिति में हम लोग कंडक्टर से अगर किस कहीं शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगा है तो कंडक्टर का प्रयोग करके यानी पानी से बुझाएंगे तो वहाँ पे आग बुझेगा नहीं। हालांकि अगर कंडक्टर जिस इक्विपमेंट से या जिस ऑपरेटर से हम लोग पानी डालेंगे अगर वो भी कंडक्टर ही हुआ तो इस स्थिति में हमको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो इसीलिए पानी का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। अगर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण कहीं शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है तो इस स्थिति में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी आग बुझाने का एक अच्छा मतलब माना जाता है उसको। तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिसिटी से आग लगता है, इलेक्ट्रिसिटी से ही नहीं अगर गैस से या डीजल या पेट्रोल में भी आग लगता है तो ऐसे स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बेस्ट माना जाता है उस आग को बुझाने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के द्वारा आपको एक बेसिक सा नॉलेज मिला होगा, उम्मीद है जो आपके काम का साबित होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनका नॉलेज भी बढ़ सके। ठीक है, थैंक यू।